नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कर्क राशि की बात करेंगे, सितंबर के महीने की बात करेंगे, यानी कैंसर वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, कहाँ इन्हें ज्यादा ध्यान रखने के। कर्क राशि वैसे तो बड़ी सौम्य राशि होती है, चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं और ये कुंडली के काल पुरुष की कुंडली के चतुर्थ भाव की सुख सुविधाओं के भाव की राशि होती है। तो आपके लिए सितंबर के महीने में कैसी सिचुएशन बन रही है, कौन से उपाय करने हैं, अक्षर कौन सा लिखें, कौन सा रंग का इस्तेमाल करें, कौन सा नंबर आपके लिए जो सितंबर के महीने में ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो अब एक एक करके हम कर्क राशि तक पहुंच चुके हैं, मिथुन राशि तक हम सितंबर तक का हाल बता चुके हैं। तो आपकी राशि पर किसी भी पापी ग्रह का प्रभाव नहीं है, कितनी अच्छी बात होती है जब कोई भी राशि रिलैक्स हो जाए, कोई तंग करे ना उसको, राशि को तो कितना अच्छा रहता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है, कोई पापी ग्रह आपको नहीं छेड़ रहा इस बार, यानी आपको फ्रीडम दे रहा है कि शुभ रहिए आप, क्योंकि शुभता की राशि होती है। वैसे भी ये बहुत सॉफ्ट राशि होती है, आपके थोड़ा सा फास्ट चलने वाली राशि होती है, ये फास्टेस्ट प्लेनेट की राशि होती है। तो आपके ऊपर किसी तरीके का नेगेटिव प्रभाव नहीं है। सूर्य आपकी राशि से द्वितीय भाव और तृतीय भाव में रहने से यानी सूर्य का प्रभाव द्वितीय और तृतीय में रहेगा। कुछ कितने दिन द्वितीय, कितने दिन तृतीय, ये बताएंगे। सूर्य का प्रभाव आपकी राशि से द्वितीय तृतीय पर रहने से आपके काम बनेंगे, यानी काम भी दिलाएंगे, पैसा भी दिलाएंगे, धन भी आएगा, रुतबा भी बढ़ सकता है, स्टेटस भी बढ़ सकता है, और साथ के साथ सरकारी काम जो आपके पेंडिंग चल रहे थे, फाइल दबा दीजिए किसी ने, साइन नहीं हुए पेपर के ऊपर, ऐसा शिकायत आपको काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन यहाँ पर आकर के ये शिकायत आपकी दूर हो सकती है, यानी आपके काम बन सकते हैं और आपकी सिचुएशन संभल सकती है, मनी आ सकती है, काम रास्ते बना सकती है। चलो, इनफैक्ट आपको सरकारी काम से फ़ायदा, सरकारी अधिकारियों से फ़ायदा, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस महीने में आपकी बन रही हैं, तो फ़ायदा तो मिलेगा ना आपको। जब फ़ायदा मिल रहा है तो आप थोड़ा सा संभल करके भी चलिएगा। प्राइवेट जॉब वालों के लिए खास करके आपके जो सहयोगी होंगे वो आपको बड़ा सपोर्ट करने वाले हैं सितंबर के महीने में। जैसे कई बार क्या होता है ना कि हमें कोई प्रमोशन मिलते हैं तो हमारी टांग खींचने वाले बड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कोई खींचेगा आपकी टांग। अगर सितंबर के महीने में कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस बन रहे हैं जहाँ आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, तो यहाँ आपकी टांग खींच करके पीछे वापस नहीं लेके जाएगा कोई भी, आराम से शांति से। हमने कहा रिलैक्स, कोई पापी ग्रह भी आपको नहीं देख रहा है, कोई तंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपको एक प्रमोशन मिलने के योग बना रहा है। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, कोई हमें तंग ना कर रहा हो, कोई हमें मैलिफिक प्लैनेट देख ना रहा हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम माइंडली मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं, और जब मेंटली रिलैक्स होते हैं तो हम मजबूती से अपने कार्यों को कर सकते हैं। तो सितंबर के महीने में आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आपका मन शांत होते हुए चीज़ों को बैलेंस करेगा। कर्क राशि वालों के लिए महीने के आखिरी दिनों में थोड़ा सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि झगड़ा नहीं करना किसी से, लड़ना नहीं है, यानी झगड़ा किया तो बवाल मच जाएगा, फिर कंट्रोल में नहीं होगा। हमें लगेगा कि ये तो बड़े शांत रहने वाले लोग हैं, शांत कहाँ रहेंगे, ये तो बहुत बवाल मचा देंगे। तो 20 तारीख के बाद आप ज़रा संभल करके रहेगा, छोटी सी बात के ऊपर बड़ा झगड़ा हो सकता है और अननेसेसरली वो झगड़ा आगे जाकर के बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट के 10 दिन महीने में आपने ऐसा झगड़ा किया कि आपको कहीं 10 महीने तक वो झगड़ा जाए ना, आपके सर के ऊपर से ही ना उतरे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप झगड़े से दूर रहिए, आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए। जब जैसे ही 20 से पहले आपको इतना अच्छा लग रहा है और 20 के बाद में आप लड़ने लग जाएं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अननेसेसरली की उलझने परेशानियाँ लेकर के आ जाएगा। प्यार करने वालों के लिए तो ये महीना वैसे नॉर्मली ठीक रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बस यहाँ सिर्फ
आपको आखिरी के कुछ दिनों में संभलने की जरूरत ज्यादा दिख रही है। शुभ अंक का प्रयोग आप जरूर कीजिए, खास करके लास्ट डेज में तो इसका बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। हाथ के बीचों बीच में आपने 6 नंबर लिखना है, सेंटर पॉइंट पे यहां लिख लिया करें आप, 6 नंबर लिखिएगा। लेकिन लिखना किसके साथ है? सफेद रंग का चंदन मिलता है, और अगर के लकड़ी पे जो घिस करके आप चंदन लगाते हैं तो अगर उसका कर लें तो और भी ज़्यादा बेटर है। जो भगवान भोलेनाथ को तिलक लगाने जाते हैं ना हम लोग, घिस करके एक लकड़ी के चंदन को हम घिस करके लगाते हैं, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो सफ़ेद रंग का पाउडर वाला चंदन मिलता है, उसे आप गंगा जल से धो लीजिएगा, उसमें मिक्स कर लीजिए, मिला करके अच्छे से पहले कोई भी जहाँ भी आप ये घोल बनाने लगे उसे पहले गंगा जल से धोना, चाहे वो कटोरी हो, चाहे आप किसी पाटे के ऊपर, जहाँ भी आप इसको अच्छे से मिक्स करिए। उसका आपने 6 नंबर लिखना है सेंटर में। क्रीम रंग का इस्तेमाल आपने सितंबर के महीने में ज़्यादा करना है, और च अक्षर लिखना है कागज़ के ऊपर, कागज़ के बीचों बीच आपने सेंटर में च अक्षर लिखा। छोटा कागज़ का टुकड़ा लीजिएगा जिसे फोल्ड करके आप अपने वॉलेट में भी रख सकें, तो च अक्षर लिख करके आपने पूरा महीना अपने साथ, और लास्ट डेज में जब हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पे थोड़ा सा आपका टेम्परामेंट खराब हो सकता है, तो वहाँ पे तो आपको इस अक्षर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने इस अक्षर का, इस अंक का, इस रंग का प्रयोग कीजिए ताकि आप चीज़ों को ना संतुलित कर पाए, बैलेंस। जो चीज़ें 20 तारीख तक आपने बहुत अच्छी की, कहीं लास्ट के डेज में आकर के उसे खराब ना कर दीजिएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है, सेहत ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन एक गुस्सा आपकी बाकी चीज़ों को खराब कर सकता है। तो सितंबर का महीना बहुत बेहतर जा सकता है आपका, अगर आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, इनका प्रयोग कर लें। सो अगली जो हमारी राशि होगी वो सिंह राशि होगी, लियो। लियो वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहाँ संभलने की ज़रूरत है, और कर्क राशि तक हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो अगली राशि वाले इंतज़ार करें। तब तक के लिए आपने खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। सो अगली राशि का करें इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।